यूजीसी नेट पॉपुलेशन स्टडीज के सिलेबस में यूनिट 4 जो न्यूक्सैलिटी एंड फर्टिलिटी के ऊपर बेस्ड है, ये वीडियो उसी न्यूक्सैलिटी से रिलेटेड है। स्टार्ट करने से पहले चलिए देख लेते हैं कि इस सेक्शन में आपको क्या क्या मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इंट्रोडक्टरी नोट है। जो न्यूक्सैलिटी है वो मेजर ऑफ मैरिज रेट ये देता है, तो उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है और उसके कॉन्सेप्ट है जो मैंने यहाँ पर अरेंज किया हुआ है। इन सब को हम अभी बारी बारी से देखेंगे। कुछ टर्मिनोलॉजीज एंड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ये सारे टॉपिक्स एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं जो मैंने यहाँ पर अरेंज किया हुआ है। इस सेशन में इन सारे कंटेंट्स को समझ लेने के बाद हम सोर्स ऑफ मैरिज डेटा, उसके कुछ नोटेशंस एंड टर्मिनोलॉजीज ये समझेंगे। इसके बाद बेसिक मेजर ऑफ न्यूक्सैलिटी, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि न्यूक्सैलिटी का मेजरमेंट क्या होता है। क्रूड मैरिज रेट, जनरल मैरिज रेट, एज स्पेसिफिक मैरिज रेट, ऑर्डर स्पेसिफिक मैरिज रेट एंड टोटल मैरिज रेट। अगर आपने फर्टिलिटी रेट अच्छे तरीके से पढ़ा है, उसके नोटेशंस टर्मिनोलॉजी को समझा है और सारे डेफिनेशंस का कॉन्सेप्ट आपको मालूम है, तो न्यूक्सैलिटी के मेजर को आप बिल्कुल ईजी तरीके से और अच्छे से समझ जाएंगे। इसके बाद जो मैंने ऊपर में 5 मेजर बताया, उन सबको डिटेल में हम यहाँ पर समझेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे। न्यूक्सैलिटी के इस वीडियो मटेरियल में आप सिमुलेट मीन एज एट मैरिज, इसके कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे और इस सेक्शन से एग्जामिनेशन में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सारे क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर अरेंज किया है, वो सब आप यहाँ पर देखेंगे। डेटा फॉर कैलकुलेटिंग सिंगुलेट मीन एज एट मैरिज, इसके एजुम्पशन को आप समझेंगे और एक मैं न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लिया हूँ, इस एग्जाम्पल के थ्रू सिंगुलेट मीन एज एट मैरिज इसको कैसे कंप्यूट करना है, हम इसके मेथोडोलॉजी को समझेंगे। एग्जामिनेशन में न्यूक्सैलिटी टेबल से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैंने यहाँ पर न्यूक्सैलिटी टेबल को अरेंज किया है। ये कुछ लाइफ टेबल से ही रिलेटेड होता है। अगर आपको लाइफ टेबल का कॉन्सेप्ट मालूम है तो इस न्यूक्सैलिटी टेबल को आप इजी तरीके से समझ जाएंगे। इसमें ग्रॉस न्यूक्सैलिटी टेबल और नेट न्यूक्सैलिटी टेबल, ये दो टाइप के टेबल होते हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट को भी हम यहाँ पर समझेंगे। इसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट मिसलेनियस पॉइंट्स जो मैरिज रेट या यूं कहें न्यूक्सैलिटी से डायरेक्ट रिलेट करते हैं, तो रिलेटेड कुछ पॉइंट को मैंने यहाँ पर अरेंज किया है। न्यूक्सैलिटी, फर्टिलिटी, मोर्टलिटी एंड माइग्रेशन, इन सब पर कुछ बेस्ड होगा जो अलग अलग एग्जामिनेशन में पीछे के पेपर को आप जब पलट कर देखेंगे तो कुछ क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे जो एग्जामिनेशन में डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उन सारे क्वेश्चन के भी पैटर्न को मैंने यहाँ पर अरेंज किया हुआ है, जिससे कि आप चीज़ों को कोरिलेट करके एक नोट प्रिपेयर कर लें और नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल ही तैयार रहें। यहाँ पर आप देख सकते हैं जॉन बोंगार्ट से रिलेटेड मैंने प्रॉक्सिमेट डिटर्मिनेंट के पैटर्न को न्यूक्सैलिटी से रिलेट करके यहाँ पर अरेंज किया हुआ है। इसके बाद ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा और वीडियो के इस सेशन में इतने सारे मटेरियल्स को जब मैं प्रेजेंट करूँगा ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो पेन और पेपर के साथ बैठें, चीज़ों को अच्छे तरीके से समझते जाएं। मैंने इन सारे टू द पॉइंट मटेरियल्स को डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट करके एक जगह कंपाइल किया हुआ है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। मेरा ये रिकमेंडेशन है कि आप अपना खुद का हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर करें इस वीडियो ट्यूटोरियल के माध्यम से, लेकिन फिर भी अगर आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो नाम मात्र का पेमेंट करके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन देख सकते हैं, आपको प्रोसीजर पता चल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि न्यूक्सैलिटी और इसके मेजर में इंट्रोडक्टरी पार्ट क्या है। फैमिली, मैरिज, डाइवोर्स, किनशिप एंड रिलीजन, दीज आर द सोशल इंडिकेटर्स ऑफ पर्सनल, चाइल्ड एंड सोसाइटल वेल बीइंग। ये सारे सोशल इंडिकेटर्स होते हैं और ये सोशल इंस्टीट्यूशन के अंडर में आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है और उसके कॉन्सेप्ट हैं जिससे न्यूक्सैलिटी और उसके मेजरमेंट को इजी तरीके से समझा जा सकता है। तो न्यूक्सैलिटी क्या होता है? इट इज ए फ्रीक्वेंसी, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज इन ए पॉपुलेशन। अब तक आप ये समझ चुके होंगे कि न्यूक्सैलिटी एक्चुअली में मैरिज के मेजरमेंट को बताता है, जिसमें फ्रीक्वेंसी और उसके कैरेक्टरिस्टिक और डिसोल्यूशन भी शामिल है। तो मैरिज क्या है? इट इज ए लीगल यूनियन ऑफ पर्संस ऑफ अपोजिट सेक्स। वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज में इसके कुछ अपने रूल रेगुलेशन भी होते हैं। ईच कंट्री हैज इट्स ओन लॉज ऑफ रिकॉग्नाइजिंग लीगलिटी ऑफ यूनियन, दैट इज सिविल, रिलीजियस एंड अदर मीन्स। जब यहाँ पर मैरिज में अपोजिट सेक्स की बात हुई तो इस सेक्स और जेंडर, इन दोनों को भी डिफाइन करना जरूरी हो जाता है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्स इट इज द बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक दैट डिवाइड्स द ह्यूमन इनटू मेल्स एंड फीमेल्स। ये एक बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक को बताता है और जेंडर क्या होता है ये एक सोशल एंड कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक को बताता है जिससे कि मेल और फीमेल को सोशली कैटेगराइज किया जा सके। नेक्स्ट है मैरिज कोहार्ट। तो कोहार्ट का मतलब क्या होता है ग्रुप। देन ए ग्रुप ऑफ फर्स्ट मैरिड मेन एंड वीमेन इन ए स्पेसिफाइड कैलेंडर पीरियड विदाउट चेंजिंग इन देयर मैरिटल स्टेटस। वो जितने कपल जिनकी मैरिड लाइफ में एंट्री उनके फर्स्ट मैरिड से हुई है वो सारे क्या कहलाएंगे मैरिज कोहार्ट को इंडिकेट करते हैं। इसी टॉपिक में हाउस होल्ड है ऑल द पर्संस हु ऑक्यूपाई ए हाउसिंग यूनिट। जितने भी पर्सन हैं हाउसिंग यूनिट को ऑक्यूपाई करते हैं वो सारा क्या कहलाएगा हाउस होल्ड। द ऑक्यूपेंट इन ए हाउस होल्ड में भी ए सिंगल फैमिली हो सकता है वन पर्सन लिविंग एलोन हो सकता है टू और मोर पर्सन लिविंग टूगेदर हो सकता है एंड एनी अदर ग्रुप और रिलेटेड और अनरिलेटेड पर्सन हु शेयर लिविंग अरेंजमेंट्स। ये इतने टाइप के ग्रुप बनेंगे जिससे हाउस होल्ड का यू कह सकते हैं कि निर्माण होगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं मैरिज के। एक वर्ड आता है मोनोगेमी। सिंपल लैंग्वेज में इसको ये कहा जा सकता है कि सिंगल मैरिड लाइफ मीन्स कि द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग ओनली वन स्पाउस एट वन टाइम। इन सम केसेस मोनोगेमी मीन्स हैविंग ओनली वन स्पाउस फॉर एन इंटायर लाइफ स्पान। मतलब पूरे लाइफ में उसकी एक ही शादी हुई है तो ये कहलाएगा मोनोगेमी। लेबिरेट मैरिज क्या कहलाएगा व्हेन हस्बैंड डाइज एंड द विडो इज मैरिड टू द ब्रदर ऑफ डिजीज्ड हस्बैंड तो उस केस में लेबिरेट मैरिज कहलाएगा और इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे तो सोरोरेट मैरिज कहलाता है। ये एक डिक्शनरी मीनिंग है। यहां से भी क्वेश्चन मैचिंग प्रॉब्लम देकर के क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है पॉलीगेमी मैरिज। जब एक आदमी एक से अधिक वीमेन से मैरी करता है ए मैरिज पैटर्न इन विच वन मैन मैरिज मोर देन वन वीमेन एट ए टाइम तो ये कहलाएगा पॉलीगेमी और इसका अपोजिट होता है पॉलीएंड्री मैरिज। मीन्स एक किसी पर्टिकुलर टाइम में एक वीमेन एक से अधिक मैन के साथ मैरी करती है। इसमें एक टर्म आता है कोहैबिटेशन और कंसेंसुअल यूनियन। तो कोहैबिटेशन का मतलब होता है साथ साथ रहना द स्टेट ऑफ लिविंग वेयर टू कपल इज नॉट मैरिड बट लिव टूगेदर। वो मैरिड नहीं है लेकिन लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो वो कहलाएगा कोहैबिटेशन। सेपरेशन क्या है व्हेन हस्बैंड एंड वाइफ डू नॉट लिव टूगेदर फॉर सम पीरियड एंड दे हैव नो सेक्सुअल रिलेशनशिप्स तो ये कहलाएगा सेपरेशन। और डाइवोर्स क्या हो जाएगा इट इज द लीगल टर्मिनेशन ऑफ ए मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। तो बहुत सारी जगह पर सेपरेशन और डाइवोर्स को हम एक ही वर्ड में यूज कर लेते हैं लेकिन ये दोनों अलग अलग होते हैं। यहां से टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि सेपरेशन और डाइवोर्स क्या है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी में आता है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट। ये 1929 में हुआ था और इसको शारदा एक्ट भी कहा जाता है। द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट वॉज पास्ड ऑन 28 सितंबर 1929 टू इरेडिकेट द एविल ऑफ चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज को समाप्त करने के लिए शारदा एक्ट 1929 को पास किया गया था और ये फोर्स में आया था 1 अप्रैल 1930 को। इस एक्ट में क्या था कि जो गर्ल्स हैं उनके मैरिज के लिए एज को 14 इयर्स तक फिक्स कर दिया गया था और बॉयज को उनके मैरिज के लिए 18 इयर्स तक फिक्स कर दिया गया था जो बाद के समय में इसको बढ़ाकर 18 इयर्स एंड 21 इयर्स कर दिया गया था। लेकिन उसमें भी ऑलमोस्ट बहुत टाइम गुजरने के बाद ऐसा वक्त आया था जिसमें लीगल एज फॉर मैरिज डिसाइड किया गया है जो आज तक भी लागू है। द मिनिमम लीगल एज फॉर मैरिज हैज बीन 18 फॉर फीमेल एंड 21 फॉर मेल सिंस 1978। ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभी जो लीगल एज है गर्ल्स के लिए 18 इयर्स एंड बॉयज के लिए 21 इयर्स ये अमेंडमेंट में कब आया था 1978 में आया था। यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में जिस पैटर्न पर क्वेश्चन बनता है मैंने उतना ही टॉपिक को यहाँ पर अरेंज किया है। बहुत ज्यादा डीप में भी मैं नहीं गया हूँ। आपको उतना ही पढ़ना चाहिए जितना कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है और ये सारे जो क्वेश्चन है उसको मैंने प्रीवियस ईयर्स के ही पेपर के पैटर्न पर अरेंज किया है। एक टॉपिक बना करके न्यूप्सैलिटी का ये मैटर तैयार किया गया है। नाउ सम ऑफ द हार्मफुल कंसिक्वेंसेज ऑफ चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज के कुछ हार्मफुल कंसिक्वेंसेज है वो कौन कौन से हो सकते हैं। चाइल्ड लॉसेज अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन एंड सेग्रीगेशन फ्रॉम द फैमिली एंड फ्रेंड्स ये हो सकता है। सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन भी होगा।
अर्ली प्रेगनेंसी एंड हेल्थ रिस्क होगा, डोमेस्टिक वायलेंस की संभावना बनी रहेगी, हायर इन्फेंट मोर्टालिटी एंड मैटरनल मोर्टालिटी ये भी होगा, एंड प्री मेच्योर बर्थ एंड लो वेटेड बेबीज, ये सारे कुछ हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज हैं। जब मैरिज की बात हो रही है तो यहाँ पे फर्टिलिटी का भी जिक्र कर लेना सही होगा। द एक्चुअल लाइफ बर्थ परफॉर्मेंस ऑफ ए पॉपुलेशन इज कॉल्ड फर्टिलिटी। और चाइल्ड बियरिंग क्या होगा? द एक्ट और प्रोसेस ऑफ कैरियंग एंड गिविंग बर्थ टू ए चाइल्ड, ये चाइल्ड बियरिंग हो जाएगा। इसके बाद कैटेगरीज ऑफ मार्टल स्टेटस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूनाइटेड नेशंस ने मार्टल स्टेटस के कैटेगरीज को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। मैरिज से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने क्वेश्चनेयर में 5 टाइप्स के ऑप्शंस को इंक्लूड किया है। वो यही पांचों ऑप्शंस हैं जो मैरिटल स्टेटस को बताते हैं। पहला है सिंगल विच इज नेवर मैरिड, दूसरा है मैरिड, तीसरा है विडोड एंड नॉट रीमैरिड, फोर्थ है डाइवोर्स्ड एंड नॉट रीमैरिड, एंड फिफ्थ है मैरिड बट सेपरेटेड। ये 5 ऑप्शन दे करके रिस्पोंडेंट से पूछा गया है उनके मैरिटल स्टेटस के बारे में। तो यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि मैरिटल स्टेटस के टोटल 5 कैटेगरीज हैं और वो पांचों कैटेगरी ये हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट नोट है, मैरिज कॉन्सेप्शन बर्थ दीज मे बी द यूजुअल सीक्वेंस ऑफ न्यूपसैलिटी एंड फर्टिलिटी। इसके कॉन्सेप्ट को यहाँ पर एक टेबुलर फॉर्मेट में प्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्शन और सेकेंड कॉलम में है पॉसिबल सिक्वेंस ऑफ न्यूपसैलिटी एंड फर्टिलिटी। कॉन्सेप्शन के यहाँ पर 2 टाइप हो सकते हैं और पॉसिबल सीक्वेंस ये भी 2 टाइप के होंगे। फर्स्ट में यहाँ पर जो दिख रहा है और सेकंड में 2 पार्ट में डिवाइडेड होगा। कैसे होगा आप समझ सकते हैं, ये टेबुलर फॉर्मेट में मैंने इसीलिए अरेंज किया हुआ है, बिल्कुल सिंगल साइट में आपको समझ में आ जाएगा। आप सबसे पहले यहाँ पर देख चुके हैं मैरिज कॉन्सेप्शन एंड बर्थ, मतलब कि एक कपल है, उनकी मैरिज हुई, कॉन्सेप्शन हुआ एंड आउटपुट के तौर पर बर्थ हुआ। तो ये 3 टर्मिनोलॉजीज हैं, यूजुअल सीक्वेंस यही है। ये सीक्वेंस चेंज भी हो सकता है, तो उसी चेंजिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर टाइप ऑफ कॉन्सेप्शन ये लिखा गया है, जिसमें पहला टाइप क्या हो सकता है, प्री मैरिटल और प्री न्यूपशल और ब्राइडल प्रेगनेंसीज, इन सबको एक ही नाम से जाना जाता है। आप इन तीनों को किसी एक फॉर्मेट में कर सकते हैं। जब ये कंडीशन होगा तो पॉसिबल सीक्वेंस क्या बनेगा, कॉन्सेप्शन मैरिज एंड बर्थ, मतलब कि मैरिज से पहले कॉन्सेप्शन हुआ तो आउटपुट मींस फर्टिलिटी को प्राप्त करने के लिए मैरिज के पैटर्न से गुजरना पड़ा और फिर बर्थ हुआ। तो इसका पॉसिबल सीक्वेंस क्या बनेगा, कॉन्सेप्शन मैरिज एंड बर्थ। और दूसरा क्या है, एक्स न्यूपशल, ये तो प्री न्यूपशल का बात हो रहा था और यहाँ पर एक्स न्यूपशल, इस एक्स न्यूपशल को आप एक्स मैरिटल भी कहते हैं और नॉन मैरिटल या इललेजिटिमेट बर्थ भी कहते हैं। तो ये कंडीशन इन दोनों में से कोई एक सा हो सकता है। एक्स न्यूपशल ये किस कंडीशन में होगा कि पहले कॉन्सेप्शन हुआ फिर बर्थ हो गया लेकिन मैरिज नहीं हुआ, विदाउट मैरिज बर्थ हो गया। दूसरा कंडीशन क्या बनेगा कि एक्स न्यूपशल के केस में या नॉन मैरिटल के केस में कॉन्सेप्शन तो हो गया, बर्थ भी हो गया, लेकिन उन दोनों कपल ने मैरिज बाद में किया। तो ये कंसिक्वेंसेस कुछ इस तरीके से बनेंगे, जो पॉसिबल सीक्वेंस यहाँ पर आपको दिख रहा है ऐसा अरेंजमेंट दिखाई देगा। और ये कुछ इजी टाइप का क्वेश्चन नहीं है, यहाँ से अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनेगा तो जिस तरीके से ये टेबुलर फॉर्मेट में मैंने मैटर को अरेंज किया है कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको इसके लिए भी तैयार रहना है। यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल कॉन्सेप्शन और नॉन मैरिटल कॉन्सेप्शन, इन दोनों को एक ही नाम से जाना जाता है, आप या तो ये कह सकते हैं या ये कह सकते हैं। द सिचुएशंस वेयर द कपल्स वेयर नॉट मैरिड टू ईच अदर एट द टाइम ऑफ कॉन्सेप्शन, ये इसी से इन दोनों का आउटपुट हुआ फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब एट द टाइम ऑफ कॉन्सेप्शन कपल मैरिड नहीं थे तो फर्स्ट कंडीशन में बर्थ हो सकता है और दूसरे कंडीशन में बर्थ भी हो सकता है और उसके बाद वो दोनों मैरिज के पैटर्न को फुलफिल कर सकते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट है और यहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना बनती है। अब सोर्स ऑफ मैरिज डेटा, ये कौन कौन से सोर्सेज हैं? सबसे पहले तो सेंसस सर्वे होता है, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम भी होता है और डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे भी होता है। इन तीनों में मैरिज के डेटा को प्रोवाइड किया जाता है, मतलब मैरिज के डेटा को अगर आपको ऑब्टेन करना है तो सेंसस सर्वे, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम और डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे, इन तीनों जगह से आपको मैरिज के डेटा मिल जाएगा। सिविल रजिस्ट्रेशन में बर्थ का रजिस्ट्रेशन, डेथ का रजिस्ट्रेशन और
मैरिज का रजिस्ट्रेशन, ये तीनों होता है। तो यहाँ से आप एक चीज और समझ सकते हैं कि सिविल रजिस्ट्रेशन में बर्थ रेट और डेथ रेट इन दोनों का रजिस्ट्रेशन भी मिल जाएगा। कुछ नोटेशन एंड टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम न्यूपसालिटी के पैटर्न को जब हम आगे मैरिज रेट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो वहां पर यूज होगा। हमने यहाँ पर एम से डिनोट किया है टोटल नंबर ऑफ मैरिज को इन ए पॉपुलेशन ड्यूरिंग ए ईयर। आपको अलग अलग बुक में इसको अलग अलग नोटेशन से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर पी का मतलब होगा मिड ईयर टोटल पॉपुलेशन, पी 15 प्लस का मतलब होगा मिड ईयर पॉपुलेशन एज 15 एंड ओल्डर। सिमिलरली यहाँ पर आपको सफिक्स एम दिखाई दे रहा है, इसका मतलब होगा मेन, और यहाँ पर सफिक्स दिखाई दे रहा है डब्ल्यू, इसका मतलब होगा विमेन। मीन्स जो आपने यहाँ पर देखा 15 प्लस, तो यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन जो 15 ईयर से मैक्सिमम होंगे वो कहलाएंगे, लेकिन इस सफिक्स एम से आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि वो सारे मेन जो 15 या उससे ओल्डर हैं, और यहाँ पर पी डब्ल्यू से समझ में आएगा कि वो सारे विमेन जो 15 या उससे अधिक एज की हैं। तो जब आपने नोटेशन एंड टर्मिनोलॉजी ये समझ लिया तो इस टर्मिनोलॉजी के बेसिस पर मेजर ऑफ न्यूपसालिटी जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर सारी नोटेशन एंड टर्मिनोलॉजी को जब हम यूज करेंगे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, और इन्हीं टर्मिनोलॉजी का ही इन सब में यूज होगा। तो सबसे पहले हम क्रूड मैरिज रेट देखते हैं। जिस तरीके से आप मोर्टालिटी रेट में क्रूड डेथ रेट पढ़ते हैं या क्रूड मोर्टालिटी रेट पढ़ते हैं, फर्टिलिटी रेट में क्रूड फर्टिलिटी रेट या क्रूड बर्थ रेट पढ़ते हैं, इन द सिमिलर वे मैरिज रेट में या न्यूपसैलिटी के पैटर्न को समझने के लिए जब हम मैरिज का रेट निकालते हैं उसमें क्रूड मैरिज रेट जब सॉल्व करते हैं उसके फॉर्मूला को समझते हैं तो कुछ उसी तरीके से डिफाइन होता है। इसके बाद जनरल मैरिज रेट होता है। जिस तरीके से आप फर्टिलिटी रेट में जनरल फर्टिलिटी रेट इसके फॉर्मूला को पढ़ते हैं, सिमिलर तरीके से जनरल मैरिज रेट हो जाता है। एज स्पेसिफिक मैरिज रेट आप फर्टिलिटी रेट में एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट पढ़ते हैं, डेथ रेट में एज स्पेसिफिक डेथ रेट पढ़ते हैं। इन द सिमिलर वे मैरिज रेट निकालने के लिए एज स्पेसिफिक मैरिज रेट पढ़ते हैं विद इन एन स्पेसिफिक एज ऑफ द पॉपुलेशन। ऑर्डर स्पेसिफिक मैरिज रेट यहाँ पर आप OSMR पढ़ते हैं, और टोटल मैरिज रेट जिस तरीके से आप टोटल फर्टिलिटी रेट पढ़ते हैं TFR, उसी तरीके से यहाँ भी मैरिज रेट को पढ़ेंगे TMR कहेंगे, टोटल मैरिज रेट। ये भी एज स्पेसिफिक मैरिज रेट का सम होता है। जिस तरीके से एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट का सम टोटल फर्टिलिटी रेट होता है उसी तरीके से यहाँ भी TMR होता है, ASMR का सम। तो चलिए शुरुआत करते हैं और क्रूड मैरिज रेट को देखते हैं कि क्रूड मैरिज रेट को हम कैसे डिफाइन करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं द नंबर ऑफ मैरिजेस पर 1000 पॉपुलेशन, ये CMR कहलाएगा, क्रूड मैरिज रेट। यहाँ पर m डिवाइडेड बाई p इंटू 1000 है, टोटल नंबर ऑफ मैरिजेस इन ए गिवन ईयर एंड डिवाइडेड बाई मिड ईयर टोटल पॉपुलेशन। जिस तरीके से क्रूड बर्थ रेट या क्रूड डेथ रेट अनरिलायबल मेजर होता था क्योंकि डिनोमिनेटर में टोटल पॉपुलेशन होता था और उस लिए एज और सेक्स को इग्नोर कर देता था, सिमिलर तरीके से क्रूड मैरिज रेट के केस में एज, सेक्स एंड ऑर्डर ऑफ द मैरिज डिस्ट्रीब्यूशन ये भी इग्नोर हो जाता है। इस वजह से CMR को अनरिलायबल मेजर ऑफ न्यूपसैलिटी कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं CMR इज अनरिलायबल मेजर ऑफ न्यूपसैलिटी सिंस इट कम्प्लीटली इग्नोर्स द एज, सेक्स एंड ऑर्डर ऑफ द मैरिज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। दिस रिजल्ट्स एज द लैक ऑफ कोरेस्पोंडेंस बिटवीन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये पॉपुलेशन जो है इसमें बहुत सारी जो चीजें होंगी वो एज, सेक्स और मैक्सिमम चीजें इंक्लूड होंगी जो पूरी तरीके से इस मैरिज के डेटा को रिफाइन नहीं कर पाएगा। इस वजह से CMR एक अनरिलायबल मेजर होगा। तो इसका रिफाइनमेंट कौन सा होगा? जनरल मैरिज रेट। जिस तरीके से CBR का रिफाइनमेंट GFR होता था उसी तरीके से यहाँ पर CMR का रिफाइनमेंट GMR होगा, जनरल मैरिज रेट। इट इज द रिफाइनमेंट ओवर क्रूड मैरिज रेट। तो जनरल मैरिज रेट क्या होगा? इट इज द नंबर ऑफ मैरिजेस पर 1000 पॉपुलेशन एज 15 एंड ओल्डर। क्रूड मैरिज रेट को रिफाइन करने के लिए हमने क्या किया कि जो टोटल पॉपुलेशन होते थे उस टोटल पॉपुलेशन में से हमने 15 ईयर के पॉपुलेशन को लिया और उससे अधिक को भी लिया, तो 15 से नीचे वाले को हमने स्प्लिट कर दिया, तो हमारा थोड़ा सा रिफाइनमेंट हो गया और हमें GMR मिल गया, जनरल मैरिज रेट। और इसका फॉर्मूला कुछ ये बनेगा, GMR इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाई p 15 प्लस इंटू 1000। आप नोटेशन एंड टर्मिनोलॉजी में देख चुके हैं कि m क्या है, इट इज द टोटल मैरिज
इन द गिवेन ईयर एंड P15 प्लस का मतलब होता है टोटल मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ एज 15 एंड ओल्डर सिंस मोस्ट मेजर्स ऑफ मैरिज आर एज सेक्स स्पेसिफिक दैट्स वाई द GMR इज कैलकुलेटेड फॉर मेन एंड वीमेन सेपरेटली जो GMR है वो मेन और वीमेन इन दोनों के लिए अलग अलग कैलकुलेट किया जाएगा तो जब अलग अलग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन होगा वो मेन के लिए PM15 प्लस हो जाएगा टोटल मैरिज आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ मेन और वीमेन के लिए जब GMR कैलकुलेट होगा तो PW15 प्लस ये डिनोमिनेटर में हो जाएगा और M वैसे ही रहेगा तो टोटल मैरिज आउट ऑफ द पॉपुलेशन एज 15 ऑफ वीमेन तो ये GMR मेन का और GMR वीमेन का दोनों यहां से कैलकुलेट हो जाएगा यहां पर आप देख सकते हैं GMR फॉर मेन इट इज डिनोटेड बाई दिस एंड GMR फॉर वीमेन इट इज डिनोटेड बाई दिस कैलकुलेटेड एज फॉलोज यहां पर कुछ नहीं है बस ये जो टर्म है इसमें स्पेसिफाई करने के लिए हमने M और W इंक्लूड कर दिया एक इम्पॉर्टेंट नोट है ये GMR M का और GMR W का आपस में कभी भी बराबर नहीं होगा ये नॉट इक्वल टू होंगे इसके बाद आता है एज स्पेसिफिक मैरिज रेट तो स्पेसिफिक का मतलब ही समझ में आता है कि किसी एक पर्टिकुलर एज इंटरवल के बीच का मैरिज रेट जिस तरीके से फर्टिलिटी रेट निकालते थे डेथ रेट निकालते थे उसी तरीके से यहाँ पर मैरिज रेट निकालेंगे सो नंबर ऑफ मैरिजेस पर 1000 पॉपुलेशन ऑफ स्पेसिफिक एज ग्रुप से X2X+N ये कहलाएगा एज स्पेसिफिक मैरिज रेट डिफाइन कुछ इस तरीके से होगा SMR इज इक्वल टू टोटल मैरिज ऑफ स्पेसिफिक सेक्स यहाँ S का मतलब है सेक्स मींस आइदर मेल और फीमेल तो अगर ASMR हम मेल के लिए निकालेंगे तो यहाँ पर S की जगह M हो जाएगा और ASMR फीमेल के लिए निकालेंगे तो यहाँ पर S की जगह W या F हो जाएगा प्रीफिक्स N और सफिक्स X इसका मतलब है कि जो मैरिज है इन द एज इंटरवल X2X+N और टोटल पॉपुलेशन ये NPX और ये S है तो सेम सेक्स में टोटल पॉपुलेशन X से X+N एज इंटरवल के बीच में टोटल मैरिज यहाँ पर आप देखेंगे NMXS इज टोटल नंबर ऑफ मैरिजेस इन एज ग्रुप X2X+N इन द सेम सेक्स मेल और फीमेल अगर मेल के लिए कैलकुलेट करेंगे तो मैंने पहले ही बताया यहाँ पर मेल हो जाएगा और फीमेल के लिए होगा तो दोनों जगह फीमेल होगा ड्यूरिंग ए ईयर सिमिलरली NPXS मिड ईयर टोटल पॉपुलेशन ऑफ द एज ग्रुप X2X+N इन द सेम सेक्स मेल और फीमेल जिस तरीके से GMR जनरल मैरिज रेट मेल और फीमेल दोनों के लिए इक्वल नहीं था इन द सिमिलर वे ASMR फॉर मेल एंड ASMR फॉर फीमेल ये दोनों भी इक्वल नहीं होगा द ASMR इज ए मेजर ऑफ मैरिज पैटर्न ऑफ डिफरेंट एजेस इन द गिवन मैरिज शेड्यूल ये आपको समझ में आ रहा है कि जो ASMR है वो डिफरेंट एज ग्रुप में मैरिज के पैटर्न को बताता है ASMR इज एन इंटरमीडिएट कंप्यूटेशन इन द डेरिवेशन ऑफ द टोटल मैरिज रेट जिस तरीके से एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट इंटरमीडिएट कंप्यूटेशन होता था फॉर द डेरिवेशन ऑफ टोटल फर्टिलिटी रेट इन द सिमिलर वे ASMR इंटरमीडिएट कंप्यूटेशन होता है टोटल मैरिज रेट के डेरिवेशन के लिए तो इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कशन करेंगे इसके पहले ऑर्डर स्पेसिफिक मैरिज रेट OSMR कहा जाता है इसको हम देख लेते हैं ये कुछ एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट के ही बेसिस पर डिफाइन होता है लेकिन इसमें ऑर्डर लगा देते हैं कि कौन सा मैरिज है फर्स्ट मैरिज है सेकंड मैरिज है थर्ड मैरिज है ऑर्डर स्पेसिफिक मैरिज रेट इज नॉर्मली एज एंड सेक्स स्पेसिफिक यहाँ पर सेक्स स्पेसिफिक इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो भी मैरिज रेट हम कैलकुलेट करते हैं वो अलग अलग सेक्स के लिए कैलकुलेट करते हैं और एज स्पेसिफिक भी इसलिए होगा कि डेटा होगा जो वो अलग अलग एज ग्रुप में डिवाइडेड होगा मैरिज कुछ पहले हो जा रही है मतलब लीगल एज ग्रुप को क्रॉस करने के बाद पहले हो जा रही है और किन्हीं लोगों की बाद में हो रही है तो इसमें एक इनइक्वालिटी का पैटर्न हमें देखने को मिलता है तो हम ये कह सकते हैं कि जो ऑर्डर स्पेसिफिक मैरिज रेट है वो नॉर्मली एज और सेक्स इन दोनों के बेसिस पर डिफाइन होता है तो अगर आइथ मैरिज की बात करें तो सेम टू सेम एज स्पेसिफिक मैरिज रेट के ही बेसिस पर फॉर्मूला डिफाइन होगा बस यहाँ पर आई लग जाएगा तो OSMR फॉर मेल फॉर्मूला कुछ ये बनेगा और I-1 टोटल पॉपुलेशन उस एज ग्रुप में I-1 हो जाएगा
और यहाँ पर W means फीमेल के लिए भी सेम टू सेम फॉर्मूला होगा, बस ये W से रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ पर इसके टर्मिनोलॉजी को लिखा गया है, नंबर ऑफ आइथ मैरिज एमंग द सेम सेक्स मेन और विमेन इन द एज ग्रुप X2X+N। यहाँ पर S का मतलब है आइदर M और W। सिमिलरली NPSX का मतलब हो जाएगा वेयर I माइनस वन मीन्स आइथ ऑर्डर के लिए मिड ईयर टोटल पॉपुलेशन ऑफ द सेम सेक्स मेन और वीमेन इन एज ग्रुप X2X+N। अब यहाँ पर हम एक चीज देखते हैं कि इफ I इज इक्वल टू वन, तो I इक्वल टू जैसे ही वन रखेंगे तो यहाँ तो वन होगा लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा जीरो, तो जीरो एन पी एम एक्स कुछ नोटेशन इस तरीके से होगा यहाँ भी और ये जीरो से यहाँ भी रिप्लेस होगा। तो इफ I इज इक्वल टू वन रखेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर स्पेसिफिक मैरिज रेट हमें मिलेगा इन द सेम सेक्स। नाउ टोटल मैरिज रेट TMR इज द सम ऑफ ASMR ऑफ फर्स्ट मैरिज इन द होल एज पीरियड डिफाइंड एज TMR इज इक्वल टू दिस एज 15 से 65 और उससे ज्यादा भी हम एज ले सकते हैं। जनरली एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ कुछ इसी एज के अराउंड होता है, इसलिए हम जो एज का पैटर्न लेंगे वो 15 से 65 प्लस तक ले लेते हैं, वैसे 49 या 54 भी लिया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये एज स्पेसिफिक मैरिज रेट है वेयर S इज इक्वल टू आइदर M और W। तो ये TMR यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा। अब TMR के बेसिस पर हमें दो इम्पोर्टेंट रिजल्ट मिलते हैं। जब हम मेल का TMR कैलकुलेट करते हैं और फीमेल का भी TMR कैलकुलेट करते हैं, तो आप ये हमेशा याद रखिए कि मेल का जो TMR होगा वो फीमेल के TMR से हमेशा बड़ा होगा। और यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी आ रहा है TRMR मीन्स टोटल रीमैरिज रेट। जो TMR है उसमें से टोटल फर्स्ट मैरिज रेट को माइनस करेंगे तो टोटल रीमैरिज रेट आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आपको एक ये फॉर्मूला भी मिलता है TRMR इज इक्वल टू TMR माइनस TFMR वेयर TRMR इज टोटल रीमैरिज रेट एंड TMR इज टोटल मैरिज रेट एंड TFMR इज टोटल फर्स्ट मैरिज रेट। तो ये दो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है TMR के कंडीशन में, आपको ये याद रखना चाहिए। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब इस सेक्शन में हम आगे बढ़ते हैं और सिमुलेट मीन एज एट मैरिज ये देखते हैं। अभी तक हमने न्यूक्सैलिटी के अंडर में जो भी रेट पढ़े और उसका कुछ ऊपर में डेफिनेशन कॉन्सेप्ट और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखा। एग्जामिनेशन में कुछ इस तरीके से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पलट कर देखेंगे जब, तो आपको मैक्सिमम आइडिया लग जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है और आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है अपने आप। मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉइंट को इस छोटे से वीडियो में अरेंज करने की कोशिश किया है ताकि आपको मैं इतना मटेरियल इस छोटे से वीडियो में प्रोवाइड कर पाऊं कि यहां से कम 5-6-7 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ जाए। तो मेरा ये मानना है कि इस वीडियो से अगर आपने इतना तैयार कर लिया तो ऑलमोस्ट 7-8 क्वेश्चन तो जरूर आते हैं, एग्जामिनेशन में आ जाएंगे, क्योंकि ये एक पूरे यूनिट को कवर कर लेता है। एक न्यूक्सैलिटी है और इसके पहले मैंने कुछ समय पहले फर्टिलिटी पर भी बेस्ड वीडियो मटेरियल अपलोड किया हुआ है। तो आप इन दोनों मटेरियल को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो इन दोनों में से ये मान लीजिए कि 8-10 क्वेश्चन जरूर बन जाएंगे, क्योंकि हमारे 10 यूनिट होते हैं और हर यूनिट में से 10-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये एक कंप्लीट नोट हो जाएगा, कुछ टॉपिक्स छूटेंगे लेकिन आपको इतना से काम आपका हो जाएगा। तो एक यूनिट आपका लगभग तैयार होता है, यूनिट 4 है न्यूक्सैलिटी एंड फर्टिलिटी का, तो आप इसके लिए प्रिपेयर रख सकते हैं। और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वीडियो मटेरियल के थ्रू अपना हैंड रिटन नोट्स तैयार कर लें, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि PDF होना चाहिए आपके पास तो आप एक नाम मात्र का फी पेमेंट करके मुझसे आप ये PDF मंगा सकते हैं। प्रोसीजर मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जैसा कि मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही इसके प्रोसीजर को बताया था कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा कैसे आपको इसको परचेज करना है। नाउ सिंगुलेट मीन एज एट मैरिज, इसको SMAM कहते हैं। सिंपल तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि इसको 1953 में जॉन हजनाल ने डेवलप किया था। सिमुलेट मीन एज एट मैरिज इट इज द एवरेज लेंथ ऑफ सिंगल लाइफ एक्सप्रेस्ड इन ईयर्स अमंग दोज हु मैरिड बिफोर एज 50। सिंगुलेट मीन एज एट मैरिज का मतलब ही समझ में आ रहा है कि किसी भी पर्सन का मैरिज से पहले, मतलब जब वो अनमैरिड होता है, कंडीशन ये है एज कितनी होनी चाहिए 50 ईयर्स, मैक्सिमम एज 50 ईयर्स होनी चाहिए। 50 ईयर्स के पहले अगर वो पर्सन अनमैरिड होता है और उसका एक कोहार्ट बनता है
तो उस पूरे सिंगल लाइफ का एवरेज क्या कहलाएगा, सिंगुलेट मीन एज एट मैरिज। इट इज एन एस्टिमेट ऑफ द एवरेज नंबर ऑफ इयर्स लिव्ड बाय ए कोहार्ट ऑफ मेन और वीमेन बिफोर देयर फर्स्ट मैरिज। यहाँ पर फर्स्ट मैरिज की ही बात हो रही है, मतलब कि सिंगुलेट मीन एज एट मैरिज में हम सिर्फ उन्हीं कोहार्ट को यूज करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ सिंगल हो और जिनकी एज 50 इयर्स से कम हो। तो हमें यहाँ पर क्या समझ में आया कि मैरिड पर्सन को तो इसमें लेना ही नहीं। हम अभी इस पर एक न्यूमेरिकल को जब सॉल्व करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। मैंने एक अरेंजमेंट भी किया हुआ है और मैं अपने तरीके से थोड़ा सा समझाने की कोशिश किया हूँ और मुझे उम्मीद है कि मैं उसमें आपको समझाने में सक्सेस होऊंगा। तो चलिए देखते हैं। द एस मैम इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्रोपोर्शन ऑफ सिंगल पर्संस ऑफ ईच सेक्स इन सक्सेसिव एज ग्रुप। 15 से हम शुरू करते हैं और 54 तक जाते हैं, मींस कि 15 इयर्स से 54 इयर्स के बीच जो भी सिंगल पर्सन होंगे, लेकिन हम कंसीडर किसको करेंगे, ओनली 50 इयर्स से कम वाले को, जो भी सिंगल होंगे उन सभी सिंगल्स के प्रोपोर्शन को हम लेंगे और वहीं से उनके एज का मीन कैलकुलेट करेंगे और यही हमारा कहलाएगा सिंगुलेट मीन एज एट मैरिज। इट इज इनडायरेक्ट मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ न्यूप्सैलिटी। आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनडायरेक्ट मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ न्यूप्सैलिटी क्या है, तो सिंगुलेट मीन एज एट मैरिज। इसको जॉन हजनाल साहब ने 1953 में डेवलप किया था, जो मैंने आपको पहले ही बताया। टू मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग एस मैम, सिंथेटिक कोहार्ट मेथड और दूसरा होता है सेंसस सिंथेटिक कोहार्ट मेथड। इसको आप डिकेडल सिंथेटिक कोहार्ट मेथड भी कहते हैं, क्योंकि सेंसस हर 10 साल के ऊपर होता है, इसीलिए इस सेंसस सिंथेटिक कोहार्ट मेथड को आप डिकेडल सिंथेटिक कोहार्ट मेथड भी कहते हैं और कह सकते हैं। एक बुक है एज एट मैरिज इन इंडिया, पब्लिश हुआ था 1962 में, इसको इम्पोर्टेंट बुक है, ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। एसएन अग्रवाल ने एज एट मैरिज इन इंडिया ये लिखा था 1962 में। ही प्रपोज्ड सिंथेटिक कोहार्ट मेथड फॉर कंप्यूटिंग एज ऑफ मैरिज एंड एस्टिमेटिंग द सिंगुलेट मीन एज एट मैरिज फॉर इंडियन मेल्स एंड फीमेल्स। इंडियन मेल और फीमेल इन दोनों के लिए सिंगुलेट मीन एज एट मैरिज इन्होंने कैलकुलेट किया था और इन्होंने सिंथेटिक कोहार्ट मेथड का यूज किया था। जिस तरीके से मैरिज को कैलकुलेट करने के लिए डेटा की रिक्वायरमेंट थी, किस टाइप के डेटा की हमें जरूरत पड़ती है, उसी तरीके से चूंकि इस मैम जो सिंगुलेट मीन एज एट मैरिज है, ये इनडायरेक्ट मेथड ऑफ न्यूप्सैलिटी है और इसके कैलकुलेशन के लिए हमें किस टाइप के डेटा की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ पर दो टाइप के डेटा की जरूरत पड़ती है। द गिवेन एरियाज पॉपुलेशन हु रिमेन सिंगल बाई एज, क्योंकि सिंगुलेट मीन एज एट मैरिज में हम सिंगल पर्सन को ही कंसिडर करते हैं, हु आर नॉट एवर मैरिड। और दूसरा इसमें है द नेवर मैरिड पॉपुलेशन एज्ड 15 to 55 ईयर एज एंड सेक्स। तो चूंकि एज तो यहाँ पर डिफाइंड है और इस मैम जो है वो अलग अलग सेक्स के लिए कैलकुलेट किया जाएगा, इसलिए मेल के लिए अलग हमें हमारे पास डेटा होना चाहिए और फीमेल के लिए अलग डेटा होना चाहिए, तभी सिंगुलेट मीन एज एट मैरिज मेल के लिए अलग कैलकुलेट होगा और फीमेल के लिए अलग कैलकुलेट होगा। और जरूरी नहीं है कि दोनों का जो एसमैम है वो इक्वल हो, यहाँ पर भी अलग अलग हो सकते हैं। तो डेटा की भी रिक्वायरमेंट आपको मालूम चल गई कि किस टाइप के डेटा की आपको जरूरत पड़ेगी। मेनली जो डेटा है वो सिंगल पर्सन के लिए होना चाहिए फॉर एज ग्रुप 15 to 54। कुछ एजुम्सन है, एजुम्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके तीन एजुम्सन होते हैं, तीनों एजुम्सन दे दिया जाएगा और एक फोर्थ नंबर भी एजुम्सन में दिया हुआ रहेगा और आपसे रिलेटेड कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फर्स्ट एजुम्सन है पॉपुलेशन मस्ट बी क्लोज टू माइग्रेशन और इट्स नेट इफेक्ट शुड बी नेग्लिजिबल। दूसरा है बोथ फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी रिमेन कॉन्स्टेंट इन द पास्ट, बर्थ रेट और डेथ रेट इन दोनों कॉन्स्टेंट होना चाहिए। और तीसरा है द एज पैटर्न ऑफ मैरिज हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड एनी एब्रप्ट चेंजेस ओवर टाइम, एज पैटर्न में कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए। ये तीन आपके एजम्पशन हैं जो सिंगुलेट मीन एज एट मैरिज को कैलकुलेट करने के लिए यूज होंगे। आपने ये देख लिया, अब हमारे पास बच जाता है इसके फॉर्मूला को समझ लेते हैं। ये इतना बड़ा फॉर्मूला है, इसको देख के आपको डरने की जरूरत नहीं है,
ये बिल्कुल ही आसान है, आपको बस नोटेशन याद रखना है एस आई क्या है, और सब जगह एस आई एस जे ही यूज हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं है, बाकी सारे न्यूमेरिकल्स हैं। तो एस आई और एस जे ये क्या है, दीज आर द प्रोपोर्शंस ऑफ पॉपुलेशन मेल और फीमेल, सेम सेक्स में कोई भी होगा मेल होगा या फीमेल होगा, सिंगल एट एजेस आई एंड जे। इस फॉर्मूला को समझने से पहले हम पहले जो न्यूमेरिकल है उस न्यूमेरिकल पर एक नजर डाल देते हैं, फिर इस फॉर्मूले को समझेंगे। आपने ये समझ लिया कि एस आई और एस जे क्या है, ये प्रोपोर्शन है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, इसमें एज 15 से 54 तक अलग अलग स्पेसिफिक एज ग्रुप में ये मेल का पॉपुलेशन है और ये फीमेल का पॉपुलेशन है। आपको जो डेटा दिया जाएगा, अगर कोई प्रैक्टिकल सिचुएशन दे करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कुछ इस तरीके से ही क्वेश्चन बनता है। मेल का पॉपुलेशन है सिंगल प्लस मैरिड, ये दिया हुआ होगा, उसमें से सिंगल भी दिया हुआ होगा, तो आपका काम क्या है, इस कॉलम को कैलकुलेट करना। परसेंटेज जहां पर आपको दिखाई दिया था क्या, एस आई एंड एस जे क्या है, प्रोपोर्शन ऑफ सिंगल, तो यही है वो सिंगल प्रोपोर्शन, मतलब कि जो सिंगल और मैरिड ये दोनों का पॉपुलेशन है मेल का, उसमें से सिंगल मेल कितने हैं, आउट ऑफ 10,153 में से 9,929 ये सिंगल मेल हैं, तो टोटल सिंगल परसेंटेज क्या हो जाएगा, 97.79%, ये ऑलमोस्ट 97.8% है जो एज ग्रुप 15 से 19 के ग्रुप में है। सिमिलरली 20 से 24 के एज ग्रुप में 80.49 है, और इसी तरीके से आगे। ये हो गई मेल की बात, दूसरे आ गया फीमेल, तो फीमेल में भी एज ग्रुप 15 से 19 के बीच में 10,075 ये बोथ सिंगल एंड मैरिड है, आउट ऑफ सिंगल एंड मैरिड ओनली सिंगल फीमेल 9,354 है, और इसका टोटल परसेंटेज हो जाएगा सिंगल का 92.84%। सिमिलरली आप आगे भी इसी तरह से देख सकते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया बातें, इसके बाद हम यहां पर टोटल निकाल लेते हैं, टोटल मैरिड प्लस सिंगल, और टोटल सिंगल ये होगा, और ये जो सिंगल का परसेंटेज है या प्रोपोर्शन कह सकते हैं, इस परसेंटेज को आपको यहाँ पर समेशन निकाल लेना होगा, जब आप सम करेंगे तो 271.46 आएगा, और सिमिलरली फीमेल के सिंगल परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे, सम करेंगे तो 248.70 आएगा। यहाँ तक आपने इस चीजों को समझ लिया, अब आ जाइए फॉर्मूले को समझ लेते हैं। फॉर्मूला को समझने से पहले मैं इसका रिजल्ट भी दिखा देता हूँ कि मेल के लिए और फीमेल के लिए इस मैम का वैल्यू क्या आएगा। इस मैम फॉर फीमेल इज 25 ईयर्स एंड दोज फॉर मेल इज 27 ईयर्स। ये आपने समझ लिया कि फॉर्मूले का यूज आपको करना है, मैंने टेबल को समझा दिया, टेबल में जो वैल्यू है उस वैल्यू का मतलब क्या है, ये समेशन एस आई है फॉर एज ग्रुप 15 to 54, एंड ये एस आई है फॉर एज ग्रुप 15 to 54 फॉर फीमेल एंड ये फॉर मेल। तो इन दोनों को जब यूज करेंगे तो आपको फीमेल का एस मैम 25 ईयर्स आएगा और मेल का एस मैम 27 ईयर्स आएगा। अब हम इसके फॉर्मूला को समझ लेते हैं, यहाँ पर ये रहा फॉर्मूला। आपने पहले ही देखा एस आई एंड एस जे दीज आर द प्रोपोर्शंस ऑफ पॉपुलेशन मेल और फीमेल सिंगल एट एजेस आई एंड जे। देन यहाँ पर ये जो टोटल परसेंटेज आया था उस परसेंटेज में 5 से मल्टीप्लाई करके 1500 ऐड कर देंगे, ये फॉर्मूले में आता है, माइनस लास्ट के जो दो ग्रुप हैं 45 से 49 और 50 से 54, इन दोनों ग्रुप के अंदर जितने भी पॉपुलेशन के परसेंटेज सिंगल थे उन परसेंटेज सिंगल का सम डिवाइडेड बाय 2, मींस कि जो लास्ट का एज ग्रुप है उस एज ग्रुप में जो भी सिंगल प्रोपोर्शन है उस प्रोपोर्शन का मीन इनटू 50। अब देखिए ये जो टर्म दिख रहा है यही टर्म यहां पर भी लिखा हुआ है, तो इतना आपको न्यूमरेटर में लिखने के बाद 100 माइनस यही कर देंगे और ये पूरे को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगा वो एसमैम कहलाएगा। मतलब कि आपको एसमैम कैलकुलेट करने के लिए किस चीज की जरूरत, जो डेटा रिक्वायरमेंट थी सिंगल पॉपुलेशन, जो परसेंट सिंगल पॉपुलेशन की जरूरत पड़ी, और नेवर मैरिड एज एंड सेक्स पॉपुलेशन की जरूरत पड़ी। और इस टेबल में आपने देखा कि यहां से जो फॉर्मूला में कैरेक्टर यूज हो रहा है वो सिंगल परसेंट का यूज हो रहा है, तो आपको इस सिंगल परसेंट का टोटल सम इसका यूज हुआ, इसको आपने फॉर्मूले में रखा, आपको इजी तरीके से समझ में आ जाएगा, आप जब कैलकुलेट करेंगे तो
फीमेल के लिए 25 और मेल के लिए 27 ये आएगा, आप समझ सकते हैं। इसके बाद आते हैं न्यूक्सैलिटी टेबल पर। तो जिस तरीके से आपने लाइफ टेबल पढ़ा है उसी तरीके से न्यूक्सैलिटी टेबल भी होता है। लाइफ टेबल में डेथ हिस्ट्री मालूम चलता है और यहाँ पर मैरिज हिस्ट्री मिलता है। उस लाइफ टेबल में भी कोहार्ट का यूज होता है और यहाँ भी कोहार्ट से ही टेबल जनरेट होता है। देन ए न्यूक्सैलिटी टेबल इज डिफाइंड एज ए समरी प्रेजेंटेशन ऑफ मैरिज हिस्ट्री ऑफ ए कोहार्ट ऑफ अनमैरिड पर्संस एट ए सर्टेन एज आफ्टर विच दे गेट एक्सपोज्ड टू द चांस ऑफ मैरिंग। यहाँ भी आपको एक चीज समझ में आ रहा है कि जो भी अनमैरिड पर्संस होंगे वो जस्ट मैरिज होने से पहले उनके पूरे कोहार्ट का मैरिज हिस्ट्री क्या है उसका प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है इस न्यूक्सैलिटी टेबल में। जिस तरीके से लाइफ टेबल क्या था, एक डिक्रीमेंट टेबल होता था, उसी तरीके से यहाँ भी न्यूक्सैलिटी टेबल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल डिक्रीमेंट टेबल। एन एक्सपोज्ड ग्रुप ऑफ अनमैरिड पर्संस लॉस देयर मेंबरशिप ड्यू टू मैरिज मोर्टेलिटी एंड माइग्रेशन। कैसे, मतलब बहुत सारे पर्संस का एक कोहार्ट है वो सारे अनमैरिड हैं, तो उस टेबल में उनकी मेंबरशिप कब तक रहेगी, जब तक वो अनमैरिड हैं, क्योंकि अनमैरिड से ही रिलेटेड बात हो रही है। उनकी मेंबरशिप यहाँ से तीन वजह से खत्म हो जाएगी। पहला, अगर उनकी उनकी मैरिज हो जाए। दूसरा कंडीशन ये होगा कि अनमैरिड रहते हुए वो मोर्टेलिटी को प्राप्त कर ले। तीसरा ये हो सकता है कि जिस ज्योग्राफिकल लोकेशन के लिए न्यूक्सैलिटी टेबल हम कैलकुलेट कर रहे हैं उस ज्योग्राफिकल लोकेशन से वो बंदा पलायन कर जाए, माइग्रेट कर जाए, तो तीसरा कंडीशन भी बन जाएगा। तो टोटल कितने कंडीशन हुए, मैरिज मोर्टेलिटी माइग्रेशन, टोटल 3 कंडीशंस हुए। अगर तीन में से कोई सा भी एक अगर अकर होता है तो अनमैरिड पर्सन लॉस कर जाता है न्यूक्सैलिटी टेबल के मेंबरशिप से। जिस तरीके से लाइफ टेबल मेन और विमेन दोनों के लिए अलग अलग कैलकुलेट होता था, सिम उसी तरीके से न्यूक्सैलिटी टेबल भी मेन और विमेन दोनों के लिए अलग अलग कैलकुलेट होगा। द कोहार्ट ऑफ द पर्सन कंटेन मेंबर्स ओनली वन सेक्स आइदर मेल और फीमेल। एज इन द केस ऑफ लाइफ टेबल द पॉसिबिलिटी ऑफ माइग्रेशन इज एक्सक्लूडेड। लाइफ टेबल के केस में भी माइग्रेशन के कंडीशन को एक्सक्लूड कर दिया जाता था, यहाँ भी न्यूक्सैलिटी टेबल में माइग्रेशन के कंडीशन को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। दस डिक्रीमेंट ऑफ डिमिनिशिंग इन द मेंबरशिप्स आर ड्यू टू मैरिज एंड मोर्टेलिटी ओनली। आपका जो डिमिनिशिंग हो रहा है न्यूक्सैलिटी टेबल में वो किन किन वजह से हो रहा है, पहला मैरिज, दूसरा मोर्टेलिटी, तीसरा माइग्रेशन, इन तीन वजह से हो रहा है। लेकिन जो न्यूक्सैलिटी टेबल है वो लाइफ टेबल के ही बेसिस पर काम करता है और लाइफ टेबल क्या है, माइग्रेशन के पैटर्न को एक्सक्लूड कर देता है। तो यहाँ पर न्यूक्सैलिटी टेबल में भी माइग्रेशन के पैटर्न को जब हम एक्सक्लूड कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, मैरिज एंड मोर्टेलिटी। तो अब यहाँ पर भी दो कंडीशंस की वजह से न्यूक्सैलिटी टेबल में लॉस हुआ, तो इसकी वजह से जो लॉस होगा तो न्यूक्सैलिटी टेबल दो टाइप का मिलेगा, एक मिलेगा ग्रॉस न्यूक्सैलिटी टेबल और दूसरा मिलेगा नेट न्यूक्सैलिटी टेबल। यहाँ पर मैरिज है और मोर्टेलिटी है। जिस तरीके से ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट, इसमें क्या होता था कि ओनली फर्टिलिटी को हम कंसिडर करते थे तो ये कहलाता था ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट, और फर्टिलिटी के साथ साथ मोर्टेलिटी को भी कंसिडर करते थे तो कहलाता था नेट रिप्रोडक्शन रेट। तो सेम उसी तरीके से जब सिर्फ मैरिज को कंसिडर किया जाएगा तो उस केस में जो न्यूक्सैलिटी टेबल है वो ग्रॉस न्यूक्सैलिटी टेबल कहलाएगा, और मैरिज के साथ साथ में मोर्टेलिटी को भी जब कंसिडर करेंगे तो वो न्यूक्सैलिटी टेबल नेट न्यूक्सैलिटी टेबल कहलाएगा। इफ द डिक्रीमेंट इन मेंबरशिप्स ड्यू टू मैरिज द न्यूक्सैलिटी टेबल इज कॉल्ड ग्रॉस न्यूक्सैलिटी टेबल। इफ द रिस्क ऑफ मैरिज एंड मोर्टेलिटी बोथ आर इनकॉर्पोरेटेड इन द टेबल इट इज कॉल्ड नेट न्यूक्सैलिटी टेबल। मुझे उम्मीद है कि आपको जो मैं समझाया समझ में आ गया होगा। आप प्रीवियस ईयर्स के जो भी पेपर पलट कर देखेंगे तो आपको मैक्सिमम चीजें समझ में आएंगी, और जो रिलेटेड क्वेश्चन बन रहा होगा वो आप अब कॉन्सेप्ट लगा करके समझ सकते हैं और उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ये तो हो गई न्यूक्सैलिटी पे बेस्ड जो भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकते हैं, और जो पीछे एग्जामिनेशन में आए हुए हैं उनसे रिलेटेड जो टॉपिक मैंने यहाँ पर अरेंज किया हुआ है वो जो प्रेजेंट किया वो इतनी सारी बातें हो गई। अब कुछ और भी जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, जो न्यूक्सैलिटी के साथ साथ फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी एंड माइग्रेशन इस पर भी बेस्ड हैं,
कुछ दो चार पांच पॉइंट मैंने अलग से और भी अरेंज किया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये फर्टिलिटी का टॉपिक है। इन 1978 जॉन बोंगार्ट एंड रॉबर्ट पॉटर डिफाइंड 8 वेरिएबल्स एज ए सेट ऑफ प्रॉक्सिमेट डिटर्मिनेंट्स। आपसे एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रॉक्सिमेट डिटर्मिनेंट ऑफ फर्टिलिटी किन्होंने दिया था, जॉन बोंगार्ट ने 1978 में दिया था। इसमें इन्होंने 8 वेरिएबल्स की बात की थी, फर्टिलिटी वेरिएबल्स की बात की थी। आपसे ऊपर के इन 4 वेरिएबल के बारे में एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। अरेंजमेंट आप याद रखिए, CM, CC, CA, CI, यही अरेंजमेंट होगा। फर्स्ट नंबर होगा CM, इसको कहेंगे इंडेक्स ऑफ मैरिज, क्योंकि ये मैरिज के पैटर्न को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, इसलिए ये मैरिज से रिलेटेड यहाँ पर नोटेशन एंड टर्मिनोलॉजी है। यहाँ पर प्रॉक्सिमेट डिटर्मिनेंट ऑफ फर्टिलिटी के अंडर में जो टॉपिक आएगा उसको इस कंटेंट में डालना जरूरी था। CC क्या है, इंडेक्स ऑफ नॉन कंट्रासेप्शन। CA इंडेक्स ऑफ इंड्यूस्ड एबॉर्शन। CI इंडेक्स ऑफ लैक्टेशनल इनफेकंडेबिलिटी। इसके अलावा 5, 6, 7, 8 ये भी आप याद रख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरकोर्स होता है। 6 नंबर स्पॉन्टेनियस इंट्रायूटरिन मोर्टालिटी होता है। 7th नंबर स्टरिलिटी एंड 8th नंबर ड्यूरेशन ऑफ फर्टाइल पीरियड। ये तो हो गया प्रॉक्सिमेट डिटर्मिनेंट ऑफ फर्टिलिटी, जिसको जॉन बोंगार्ट ने 1978 में दिया था, इंक्लूडिंग पॉटर। अब मैरिज से रिलेटेड कुछ और भी इंफॉर्मेशन है जो माइग्रेशन को इंक्लूड करता है। मैरिज इज द मेन रीजन फॉर फीमेल माइग्रेशन इन इंडिया, ये एक सिंगल वन लाइनर क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो इंडिया में फीमेल माइग्रेशन का जो रीजन है क्या है, मैरिज है। इसको रूरल टू रूरल माइग्रेशन भी कहा जाता है। फीमेल माइग्रेशन इज कैटेगराइज्ड अंडर रूरल टू रूरल माइग्रेशन, एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। तीसरे में कुछ और भी चीजें अरेंज किया गया है, फीमेल मैरिज, एग्रीकल्चरल लेबर्स, मूवमेंट ऑफ पीपल टू द न्यूली रिक्लेम्ड एरियाज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। दीज आर सम मेजर कॉम्पोनेंट्स ऑफ रूरल टू रूरल माइग्रेशन इन इंडिया। यहाँ से एक टॉपिक ये भी आप नोट कर सकते हैं। और सिविल रजिस्ट्रेशन इज द सिस्टम बाई विच गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स द वाइटल इवेंट्स बर्थ डेथ एंड मैरिजेस ऑफ इट्स सिटीजन्स एंड रेसिडेंस। तो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम भी एक सिस्टम है, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में एक सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का टर्म आया था, जिसमें मैरिज के डेटा से रिलेटेड टॉपिक था कि मैरिज के लिए डेटा आपको कहाँ से मिलेगा। तो वही यहाँ पर फिर से मैंने अरेंज किया हुआ है कि बर्थ डेथ और मैरिज के रजिस्ट्रेशन का डेटा आपको सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम से मिलता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट नोट है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार के बेस्ट मटेरियल को प्राप्त करने के लिए द स्कॉलर्स ग्रुप को आप ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करके मुझे बताइए मेरा ये काम जो मैं कर रहा हूँ आपके लिए हेल्प कर रहा हूँ किस तरीके से और किस हद तक ये सही है और मैं इसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, ये भी आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो को भी बनाने के लिए जो भी मैटर मैंने इकट्ठा किया उसको कलेक्ट करने में, उसको अरेंज करने में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा मुझे, ताकि एक शेड्यूल तरीके से एक अरेंजमेंट के साथ में मैं मैटर को यहाँ पर प्रेजेंट कर पाऊँ और यहाँ से एग्जामिनेशन में आपको बहुत सारा आउटपुट मिल जाए। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ।